हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी फैक्टर। अगर आपको कोई कॉमेडी फिल्म बनानी है तो स्क्रिप्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक्टर्स के कॉमेडी डायलॉग्स और उनका कॉमिक टाइमिंग, जिसे आप अपना दिमाग घर पे रख के एंजॉय कर सकते हैं। किसी की बायोपिक बनानी है तो बनी बनाई स्टोरी आपके लिए अवेलेबल है। हिस्टोरिकल मूवी बनानी है तो थोड़ा बहुत रिसर्च और आपका काम हो गया। लेकिन जब आपको एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म बनानी हो तो स्क्रिप्ट में दम होना बेहद जरूरी है। एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ बनाई गई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखती है और ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करके उन्हें फिल्म के आखिर तक बांध के रखती है। तो आइए ऐसी 5 फिल्मों के बारे में बात करते हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि फिल्म की स्क्रिप्ट हो तो ऐसी। नंबर 1, अंधाधुन। ये फिल्म आयुष्मान खुराना की करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 2018 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में अंधाधुन का नाम आता है। इस फिल्म के लिए आयुष्मान को बेस्ट एक्टर मेल का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की हुई ये फिल्म 2010 की एक फ्रेंच शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है। अपनी फिल्म में दमदार स्क्रिप्ट के साथ ऑडियंस को कैसे बांध के रखे, ये कोई श्रीराम राघवन से सीखे। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक ब्लाइंड पियानो प्लेयर है जो पार्टीज और इवेंट्स में पियानो बजाकर अपना गुजारा करता है। एक दिन उसकी आंखों के सामने एक इंसान का मर्डर हो जाता है, लेकिन ये तो ब्लाइंड है। यही से स्टोरी में आ जाता है प्लॉट ट्विस्ट। बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भरी इस फिल्म में आप आखिर तक कंफ्यूज हो जाएंगे कि आयुष्मान सच में ब्लाइंड था या नहीं। इस फिल्म के आखिर में सस्पेंस को रिवील ना करके ओपन छोड़ा गया है, जो कि आपको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। नंबर 2, नो स्मोकिंग। 2007 में रिलीज हुई फिल्म नो स्मोकिंग को हम इंडिया की इंसेप्शन कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजन से भरी कोई फिल्म है तो वो है नो स्मोकिंग। जहां हॉलीवुड में क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन को सबसे कंफ्यूजिंग फिल्म कहा जाता है, जो 2010 में रिलीज हुई थी, उससे 3 साल पहले अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में नो स्मोकिंग फिल्म का एक इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन शायद उस समय हमारी ऑडियंस ऐसे फिल्मों के लिए तैयार नहीं थी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। फिल्म में जॉन अब्राहम अपनी स्मोकिंग की आदत को छुड़वाने के लिए एक रिहैब सेंटर में जाता है और वहां से उसकी सिगरेट छुड़वाने की जर्नी में फिल्म की स्क्रिप्ट आपको इतनी कंफ्यूज कर देगी कि आप इंसेप्शन फिल्म भूल जाएंगे। अगर आपने इंसेप्शन और नो स्मोकिंग ये दोनों फिल्में देखी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी मूवी ज्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 3, 13B। जब हम बात करते हैं हॉरर फिल्मों की तो हमें कुछ भयानक से अजीबोगरीब चेहरे याद आते हैं, लेकिन बॉलीवुड की हॉरर फिल्में हॉलीवुड के मुकाबले कम डरावनी होती है और कई बार तो हॉरर फिल्मों के नाम पे हमें ये सब दिखाया जाता है, हॉरर कम वल्गैरिटी ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी हॉरर फिल्में नहीं बनी है। कुछ फिल्मों की अच्छी स्क्रिप्ट की वजह से वो फिल्में हमें डराने में कामयाब हो जाती है। 2009 में रिलीज हुई फिल्म 13B एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो तो फिल्म को हॉरर बनाने के लिए आपको डरावने से चेहरों की जरूरत नहीं होती। वो अजीबोगरीब चेहरे वाले भूत इस फिल्म में ना होने पर भी आप कहेंगे कि ये अब तक की बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म है। इस फिल्म के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नंबर 4, रस्सासन। 2018 में रिलीज हुई रस्सासन एक मिस्ट्री थ्रिलर तमिल फिल्म है। फिल्म के हर 5 मिनट में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे। एक बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ बनाई गई ये फिल्म आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांध के रखती है। फिल्म के लीड रोल में है तमिल एक्टर विष्णु विशाल, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। जहां एक सीरियल किलर स्कूल गर्ल्स को बहुत ही अमानुष तरीके से मर्डर करके पूरी पुलिस फोर्स को चैलेंज करता है। इस सीरियल किलर को पकड़ने की पूरी कहानी में आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे, जहां आपको एक बहुत ही एंगेजिंग, थ्रिलिंग और शॉकिंग स्टोरी देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा। अंधाधुन के साथ साथ रस्सासन 2018 की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिल्म थी। नंबर 5, कहानी। 2012 की वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड फिल्म कोई है तो वो है कहानी। कहानी फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी कही जाती है। सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनी विद्या बालन स्टारर ये फिल्म 2012 के नेशनल अवार्ड से लेकर बाकी सारे मेजर अवार्ड्स अपने नाम कर गई थी। विद्या बालन जो लंदन से कोलकाता आती है अपने मिसिंग हस्बैंड की तलाश में, और इसके लिए वो पुलिस ऑफिसर की मदद लेती है। अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई सारी शॉकिंग चीजें बाहर आती है। हर 5-10 मिनट में प्लॉट ट्विस्ट के साथ फिल्म खत्म होने तक कई सारी शॉकिंग चीजें आपको फिल्म में देखने मिलेगी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स इंडिया में बनी हुई अब तक की फिल्मों में सबसे शॉकिंग और हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स माना जाता है। तो ये है इंडिया में बनी ऐसी 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जिन्हें बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ पर्दे पर उतारा गया है। इन फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले समय में हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।